लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो क्या आप भी लिनक्स में मास्टरी करना चाहते हैं? सो विदाउट स्किप ये पूरी वीडियो देखिए। वेलकम टू न्यू वर्जन हैक। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. इसको पावर ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। So इसको पावर ऑन करने के लिए वापस से वही प्रोसेस करनी है आप लोगों को कि डबल क्लिक करना है VMware के आइकॉन पे एंड देन यहां पर आपने जो भी चीजें इंस्टॉल कर रखी होगी, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रखी है, ये वाली जो है मेरी अभी जो इंस्टॉल की थी काली वो है, इसको मैं यहाँ पे पावर ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर ऑन हो जाएगी। अब आप किसी को डिस्टर्ब होता है कि साइड में नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब ऊपर का भी नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है, ये साइड में रहना चाहिए। एंड अगर आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे तो आप यहाँ पे ये फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हो। ठीक है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये फुल स्क्रीन मोड है, यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड देन आपका जो कंप्लीट फुल स्क्रीन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन करना है आपको, काली एंटर एंड काली। ठीक है, सो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं अपने लिनक्स के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है बट अभी हम एंटर हो गए। ठीक है, सिर्फ 4 GB हमने इसको रैम दिया है, 80 GB स्टोरेज दी है, 80 GB जिससे इतना अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारे लिनक्स का कुछ इंटरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम विंडोज में फाइल्स मैनेजर देखते हैं तो यहाँ पे फाइल मैनेजर है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग यहाँ से जाके ओपन फोल्डर कर सकते हो तो यहाँ पे आपका कंप्लीट फाइल मैनेजर दिख जाएगा। देखो वहाँ पे दिस PC होता है, यहाँ पे माई कंप्यूटर। ठीक है, ये फाइल सिस्टम्स है सारी, उसके अंदर की जो चीज़ें जो हम देख रहे थे, जो भी लोकेशन हमने अभी देखा था जिसके बारे में पढ़ा था, देखो लिब बूट देव ETC होम लिब 32 लिब 64 यहाँ पे सारे हैं, मीडिया MNT। ठीक है, OPT प्रोक। ठीक है, रूट रन एवरीथिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाओगे तो डाउनलोड सारे फोल्डर मिलेगा। ठीक है, एंड ये वीडियोस एंड ये एवरीथिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अभी ग्राफिकल वर्जन में है। यही चीज अगर हमको कमांड लाइन पे करना है तो कमांड लाइन पे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो कमांड लाइन में करने के लिए यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं हम टर्मिनल, ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इस पर डबल क्लिक करोगे या फिर सिंगल क्लिक से भी ओपन हो जाएगा ये। सो यहाँ पर कुछ ऐसे दिखता है हमारा टर्मिनल। ठीक है, ऐसे टर्मिनल दिखता है, आप इसके यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे इसको यूजर इंटरफेस को चेंज करना है तो राइट क्लिक करना है, प्रेफरेंस पे जाना है, प्रेफरेंस में जाने के बाद काली डार्क से चेंज करके ग्रीन ऑन ब्लैक, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसको अप्लाई करता हूँ मैं एंड देन ओके। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टर्मिनल है बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। सो यहाँ पर मैं विंडोज एंड लेफ्ट एरो की करके ये जो फाइल मैनेजर मैंने ओपन किया था उसको राइट हैंड साइड में कर लेता हूँ एंड इसको फुल स्क्रीन करके विंडोज एंड लेफ्ट एरो की दबा के राइट साइड में कर लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई इश्यू हो तो। सो यहाँ पे मैंने दोनों को लेफ्ट एंड राइट अलग अलग साइड में कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल के ले लो, मैं यहाँ पे LS करता हूँ। ठीक है, एंड एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड म्यूजिक, ठीक है, एंड पिक्चर एंड पब्लिक एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमको फोल्डर्स दिख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सो यहाँ पे हमको इतनी सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, अब ग्राफिकली देखा जाए तो यहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको वही चीजें दिख रही हैं जो यहाँ पे दिख रही होगी, ये काली का एक फोल्डर है, मतलब जो यूजर है काली, अभी यहाँ भी के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी काली है एंड गेस्ट भी काली ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप जैसे का वैसा, जो फोल्डर इधर दिख रहे हैं आपको टर्मिनल में वही नाम से इधर भी दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा जूम किया है तो आपको कुछ फोल्डर यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखो मैच करो, सारी चीजें एग्जैक्ट वैसे ही होगी। ठीक है, वापस से मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो जूम करने के लिए हम इसको क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस। ठीक है,
तो मेरे इसमें कंट्रोल शिफ्ट मतलब शिफ्ट प्लस दबाना पड़ता है। आपके इसमें कंट्रोल प्लस बटन दबा सकते हो, या फिर प्लस के साथ कोई और वहाँ पे साइन है तो शिफ्ट दबा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इसको जूम कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जब इसको देखा, मतलब इसको देखने का जो हमारा कमांड था, वो आप लोगों ने फर्स्ट कमांड तो पहले ही रन कर ली ls की, ठीक है, लिस्ट की। तो यहाँ पर इस लोकेशन में अभी हम किस लोकेशन पे हैं यह देखने के लिए क्या यहाँ पे कमांड रन करना है, pwd, ठीक है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमको यह देखने के लिए कि हम लोकेशन पे किस लोकेशन पे हैं, किस जगह पे हैं, तो यहाँ पे pwd लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग होम एंड काली पे हैं हम लोग, ठीक है, होम काली, ठीक है, मतलब काली के जो गेस्ट यूजर है उसके हम होम पे हैं अभी। एंड यहाँ पर अगर देखना है हमको ग्राफिकली तो ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी लोकेशन दिख जाएगी, ठीक है। तो ऐसे है ये दोनों, ठीक है। देन उसके बाद हमको अगर यहाँ पे ls का तो हमने देख लिया लिस्ट का, अब हमको वो फाइल लोकेशन देखनी है यहाँ पे जो हमने देखा था, तो वो किस फोल्डर में थी, बैक स्लैश में थी, है ना, सिर्फ रूट में थी। तो रूट में हम जो तरीके से जा सकते हैं, cd करके बैक स्लैश दबा दो तो भी पहुंच जाओगे, या फिर यहाँ पे सिंपल बैक स्लैश कर दो तो भी पहुंच जाओगे, क्योंकि वो कह सकते हो फेमस फोल्डर है, बहुत इजीली वहाँ पे जंप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने रूट या फिर बैक स्लैश लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं इस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कुछ चीजें चेंज भी हो गई यहाँ पे, ठीक है, टिल्ड का सिंबल से हम बैक स्लैश के टिल्ड में सिंबल पे आ गए हैं। ये सिंबल है काली के जो गेस्ट यूजर है उसके होम का, ठीक है, एंड ये वाला सिंबल बताता है कि हम अभी इस लोकेशन पे हैं। अब वापस से अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूं तो क्या लिखा आता है, तो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक बैक स्लैश लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अगर वो सारी लोकेशंस देखनी है जो हमने देखा था, तो यहाँ पे हमको ls करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने ls किया तो देखो यहाँ पे वो सारे फोल्डर्स हैं, ये बिन, ठीक है, ये बिन जिसके अंदर हमारे सारे प्रोग्राम्स, मतलब सारे ये जो pwd लिखा है ये लिखने से क्या होगा, वो सारा इसके अंदर लिखा है। ls लिखने से क्या होगा, वो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, जो जो चीजें हमने पढ़ी है वो सारी चीजें यहाँ पे है, जो आपके काम की थी वो सारी चीजें मैंने बता दी है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे इस बिन फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है, तो सीडी बिन, ठीक है, सीडी मतलब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्पेस एंड अपर केस बहुत अच्छे से याद रखना है, अपर केस लोअर केस फोल्डर का कैसा नाम है एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि केस सेंसिटिव होता है हमारा ये टर्मिनल, ठीक है। सो यहाँ पर हम करेंगे cd जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर को चेंज करो, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, कहीं पर मैं डायरेक्टरी बोलूँ तो समझ जाना उसका मतलब फोल्डर है। सो यहाँ पर मैं cd बिन करता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर देखो cd बिन, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी है। एंड वापस से मैं यहाँ पे ls करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, हर एक कमांड का जो प्रोग्राम है वो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखो ls कमांड अगर हम देखें u पे है, नीचे ऊपर स्क्रॉल करके हम ls पे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे sudo एंड sudo su जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी दिखा रहा है। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग, हमको चलना है l पे जो ls है लिस्ट की, सो वहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ls तक चलते हैं हम लोग, जिस पे रेड है उसको गेस्ट यूजर, अभी हम गेस्ट यूजर पे हैं इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, पासवर्ड, ठीक है, जो रेड है उनको हम चेंज नहीं कर, मतलब उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ये आ गया l, तो यहाँ पर देखो ls, ठीक है, ls लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ls के अंदर का सारा प्रोग्राम यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँ cd ls, उसके अंदर चल के देखते हैं क्या है, तो उसके अंदर हम नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कमांड सीखने का तरीका ये है, या फिर एग्जांपल लो, अब मैं इस ls के अंदर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर गए बिना मैं उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब ls जो वहाँ पे फोल्डर है या फिर ls कमांड का जो फोल्डर है वहाँ पे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ें प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ cat, ठीक है। cat कमांड क्या करेगा, उसके अंदर की सारी डिटेल्स बाहर ला देगा, ठीक है, मतलब बिना उसके अंदर गए। तो मैं cat ls करता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हमारे समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ये लैंग्वेजेस हमारे समझ में नहीं आएगी, ठीक है।
सो ये सारी चीजें लिखी हुई है उस ls कमांड के अंदर, ठीक है। सो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। आई होप आप सभी को तीन कमांड का मतलब समझ गया होगा। पहला ls, दूसरा है cd एंड तीसरा है कैट कमांड, ठीक है। और चौथा भी है हमारा pwd। pwd का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ls का मतलब है लिस्ट, ठीक है। कैट का मतलब सामने प्रिंट कर देता है। सो कैट कमांड का फुल फॉर्म कैट ही है, कुछ और भी होता है, वो लॉन्ग सा है थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं अब हम कुछ और चीजों की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल के ले लो, मैं यहाँ पे अब ls करता हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं बिन फोल्डर पे ही हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। एंड इससे मुझे बैक जाना है, बिन फोल्डर से मुझे बैक जाना है वापस बैक स्लैश में। तो मुझे क्या करना होगा, एक तो मैं बैक स्लैश डाल सकता हूँ, क्योंकि जो बैक स्लैश है रूट लोकेशन है, बहुत फेमस है, तो बहुत इजीली वहाँ पे जंप कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो हम cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, cd स्पेस डबल डॉट से जाके हम बैक जा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्रेस किया इंटर प्रेस, तो बैक हो आ गया मैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे एरोज होते हैं, उनसे बहुत इजीली हो पाता है, ठीक है, ग्राफिकल वर्जन में। cd डॉट डॉट से हम बैक आ गए। नेक्स्ट अब यहाँ पे वापस से ls करता हूँ मैं, ठीक है। एंड इस सारे लोकेशन पे हूँ, ठीक है, इन सारे लोकेशन पे हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमको कहाँ पे चलना है, अब यहाँ पे हमको cd एंड होम पे चलना है, ठीक है, होम लोकेशन पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, cd होम करता हूँ, ठीक है। मुझे लोकेशन यहाँ पे चेंज करनी है, तो मैं cd होम करूँगा, मतलब चेंज डायरेक्टरी होम, ठीक है। अब होम के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे ls करेंगे, लिस्ट करेंगे, क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे काली पड़ा हुआ है, मतलब जो कि हमारा यूजर है। तो यहाँ पर मैं करूँगा cd काली, ठीक है, एंटर। अब मैं काली के अंदर आ गया हूँ, टिल्ड सिंबल। अब मुझे चेक करना है कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, तो यहाँ पर pwd, हम इस लोकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ls करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो सारे फाइल एंड फोल्डर दिख रहे हैं इसके अंदर के, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार, ताकि टॉप पे आ जाए हर एक चीज। सो यहाँ पर हम टॉप में आ चुके हैं। अब मैं वापस से यहाँ पे cd करके डाउनलोड फोल्डर पे चला जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ डाउन लोड, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ls कर दूँ, ताकि मेरे को रेफरेंस मिले आपको समझाने में। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ डाउनलोड, ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये उसके अंदर नहीं गया, क्यों क्यों नहीं गया। तो मैंने आपको कहा था, ये जो हमारा टर्मिनल है केस सेंसिटिव होता है। देखो यहाँ पे डी कैपिटल, यहाँ पे डी कैपिटल है, मैंने स्मॉल लिखा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो वापस से cd डाउनलोड्स करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो डाउनलोड है, मैं एक दो वर्ड लिख के पूरा कंप्लीट लिख दूँ, मुझे ज़्यादा टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैं cd do लिखूंगा, मतलब एक दो वर्ड लिखूंगा जो यहाँ पे सबसे अलग हो। जैसे मैं do लिखता हूँ, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी है, तो देखो करके देखते हैं। do लिखा, एंड आपके सिस्टम में कैप लॉक के ऊपर एक टैब बटन होगा, ठीक है, जिसमें दो एरोज बने होंगे, ठीक है। उस स्क्रीन में मैं उसकी फोटो डाल दूंगा, टैब बटन की, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे टैब बटन जैसे ही प्रेस करोगे, तो यहाँ पर देखो दो चीजें आ गई, एक डाउनलोड एंड एक डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे dow लगा दूं, dow लगा दूं, देन टैब बटन दबाओ, तो यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज पूरी टाइप नहीं करनी है, तो उसका एक दो वर्ड जो कि बाकियों से अलग हो, वो यहाँ पे टाइप करके, ठीक है, टैब बटन दबा दोगे, तो वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। फुलफिल होने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे मैं ls करता हूँ कि डाउनलोड के अंदर क्या है। अभी इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमको ग्राफिकली यहाँ पे फोल्डर बनाना तो बहुत ईजी है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है, क्रिएट फोल्डर करो, न्यू फोल्डर आ गया, एंड क्रिएट। तो यहाँ पर देखो एक फोल्डर बन गया है। लेकिन हमको कमांड लाइन से अगर यहाँ पे टर्मिनल पे फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कमांड का mkdir, ठीक है। mkdir का मतलब है मैक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे mkdir मैं अपने नाम से बनाता हूँ, dev देव, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया मैंने, एंड ls किया, तो यहाँ पर देखो एक देव नाम का फोल्डर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फोल्डर मैं बना लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल देने में मेरी हेल्प करेगा। mkdir मैं काली के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। एंड
MKDIR यहाँ पे अनुराग नाम से फोल्डर और बना लेता। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे 3 फोल्डर बन गए। अब मैं इसको वापस से क्लियर करता हूँ। देखो अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो बहुत कचड़ा हो गया, मतलब मेरे काम के नहीं है, एंड टर्मिनल पूरा भर गया है। अब पूरा भर गया है तो इसको क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्लियर बटन का यू क्लियर कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर लिखूंगा, ठीक है, CLEAR क्लियर, एंटर। ठीक है, तो देखो पूरा पूरा टर्मिनल क्लीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं LS करूंगा तो देखो मेरे सारे फोल्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे CD देव करता हूँ, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, जैसे युग। फोल्डर बनाने के लिए कमांड क्या थी हमारी, MKDIR। ठीक है, एंड यहाँ पे वायु जी युग नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से वापस जाना है। ठीक है, कहाँ पे, जो डाउनलोड का होम फोल्डर था। सो यहाँ पर दो तरीके हैं बैक जाने के, पहला तो है CD:// जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका है कि कंप्लीट लोकेशन लिख दी जाए किसकी, जहाँ पे हमको जाना है। तो यहाँ पे CD लिखता हूँ मैं /home, ठीक है, देन काली, ये इसकी लोकेशन है, एंड /download जो कि हमारा D कैपिटल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होम फोल्डर के अंदर काली फोल्डर है एंड काली फोल्डर के अंदर डाउनलोड फोल्डर है। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर हम जाएंगे, एंटर करेंगे, तो देखो यहाँ से देव से हम डाउनलोड पे आ चुके हैं। मतलब लोकेशन टाइप करके भी आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक स्टेप से जाना है बैक, तो आप CD:// का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट जंप करना था, इसलिए हमने पूरी लोकेशन लिख दिया और एक एक फोल्डर बैक जाना है, CD:// का यूज होता है वहां पे। ठीक है, वापस से LS करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे एक फोल्डर डिलीट करना है, जैसे ये जो फोल्डर है ये हमको डिलीट करना है अनुराग नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं RMDIR, ठीक है, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे ANU लिख के टैब बटन दबा दूंगा तो पूरा फोल्डर फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब यहाँ पे फोल्डर डिलीट हो चुका है। LS करके देखते हैं यहाँ पे वो फोल्डर है या नहीं, तो यहाँ से देखते हो वो फोल्डर हट चुका है। ठीक है, वापस से मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलो मैं ये वाले फोल्डर को डिलीट करता हूँ, ठीक है, देव नाम। तो यहाँ पे RMDIR DEV देव नाम के फोल्डर को करता हूँ एंटर। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पे डिलीट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, तो आपको यही समझाना था कि जो RMDIR है ये कमांड सिर्फ और सिर्फ जो फोल्डर खाली है उनको ही डिलीट करता है। लेकिन अगर आपको कोई भरा हुआ फोल्डर है वो डिलीट करना है तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आप राइट क्लिक करो एंड मूव टू ट्रैश कर दो, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर भरा हुआ फोल्डर हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज लेते हैं RM-R, ठीक है, RM-R, देन उसके बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो देखो कोई एरर नहीं आया, एंड LS करके देखेंगे तो वो डिलीट भी हो चुका है वहां से। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स बनाने की कमांड्स थी, लोकेशन चेंज करने की कमांड थी। अब हम देखते हैं कुछ और कमांड। ठीक है, अब एग्जांपल के ले लो कि मुझे एक कमांड के बारे में कुछ नहीं पता, समझ लो RM के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उससे पहले यहाँ पे मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। मुझे RM के बारे में, मतलब रिमूव, जो RM-R है, रिमूव रिकर्सिवली उसका मतलब है, RM के बारे में मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या चीजें कैसे यूज लिया जाते। सो यहाँ पर हम यूज लेंगे हेल्प का। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो मैन, यानी कि एक मैन होता है, ठीक है, जिसका मतलब है मैनुअल, एंड एक होती है हेल्प। ठीक है, सो यहाँ पर दो कमांड्स होती हैं, जो भी चीजें हमको समझ में नहीं आती उसके बारे में यहाँ पे हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मुझे RM के बारे में जानना है, RM-Help, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शन इसके आगे, -F यूज करोगे तो फोर्सफुली, अगर मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे, एक बार क्लियर करके मैं इसको वापस से कमांड टाइप कर दूँ ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन पे दिखे, अच्छे से दिखे। ठीक है, वापस से अब देखो यहाँ पे एक चीज है। अब वापस जो हमने कमांड अभी मैंने रन की थी, ठीक है,
अब मुझे वापस से टाइप नहीं करना, तो दूसरा शॉर्टकट क्या है, मैं उसको वापस ला सकता हूँ कैसे, उसकी हिस्ट्री से। तो यहाँ पे हिस्ट्री से कैसे जाओगे आप लोग, तो आपके कीबोर्ड में एरो अप की होती है, ठीक है, एरो अप पेज की या फिर अप की होती है, उसको प्रेस करोगे तो पुरानी हिस्ट्री, जो पुरानी कमांड्स आपने रन की है वो सारी कमांड्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने इतनी कमांड्स रन की है। अब यहाँ पर मैं rm-help चाहिए था मुझे, यहाँ पे रुक के मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो सारी हेल्प उसकी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हाइफन एफ दिखा रहा है, मतलब फोर्स, हाइफन आई। अब फोर्स का मतलब क्या है यहाँ, इग्नोर नॉन एग्जिस्टेंट फाइल एंड आर्ग्यूमेंट नेवर फ्रॉम, मतलब कि जो चीजें हैं उसको फोर्सफुली डिलीट कर दो, सोचो मत। ठीक है, हाइफन आई का मतलब है प्रॉम्प्ट बिफोर एवरी रिमूवल, ठीक है, मतलब रिमूव करने से पहले बताओ, स्मॉल आई का मतलब, ठीक है। एंड एक यहाँ पे एक ये बार बार देगा आपको, अगर स्मॉल आई यूज करते हो तो बार बार बताएगा कि आपको रिमूव करना है या नहीं, हाइफन आई बताएगा सिर्फ एक ही बार, ठीक है, उसके बाद नहीं बताएगा, लेकिन ये बार बार बताएगा हाइफन आई, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी कंप्लीट कह सकते हो हेल्प है, इसको यूज लेके आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये इसके कमांड का काम क्या है। ठीक है, हर एक कमांड का मैनुअल भी है यहाँ, इतनी फैसिलिटीज है हमारे लिनक्स में। ठीक है, आरएम यहाँ पे यूजेस बताया है कैसे करना है, तो यहाँ पे आरएम लिखा हुआ है, उसके बाद ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद जिस फाइल को रिमूव करना है वो, तो आरएम तो मतलब हो गया रिमूव, ऑप्शंस मतलब क्या होगा, ऑप्शंस मतलब ये सारी जो चीजें दी हुई है ना, यहाँ पे हाइफन एफ लिख दो, हाइफन एफ या फिर हाइफन आई लिख दो, तो यहाँ पे कोई भी चीज ऑप्शन आएगी, इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा, तो ये हाइफन आर, ठीक है, रिकर्सिवली, रिकर्सिवली का मतलब क्या था, रिमूव डायरेक्टरी एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली, ठीक है, मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है एंड डायरेक्टरी दोनों रिमूव कर दो। एंड ऑप्शन लिखने के बाद आप यहाँ पे फाइल दे सकते हो जो फाइल आपको रिमूव करनी है। सो आई होप आप सभी को हेल्प का जो कमांड था, हेल्प कमांड का मतलब समझ में आया होगा, कैसे काम कर रहा है हेल्प कमांड। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर करने के बाद मैन का काम समझते हैं। तो यहाँ पर समझ लो, मुझे वही वही कमांड लेता हूँ मैं जो अभी मैंने रन किया था, rm hyphen help। तो यहाँ पर हमने help बाद में लिखा था, ठीक है, rm के पहले। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, जैसे मुझे rm है, ठीक है, rm, एंड इसका मैनुअल देखना है, तो पहले rm, पहले यहाँ पे हम मैनुअल लिखेंगे, मैन, मैनुअल का मतलब है मैन, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे कमांड में हम। उसके बाद यहाँ पे हम rm लिख देंगे, rm लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो देखो मैनुअल आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब जो मैनुअल है ये थोड़ा सा अच्छा दिखाता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये मैनुअल है, जैसे कोई भी चीज़ आप लोग परचेस करते हो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है, बस वही है, कमांड हर एक कमांड के लिए अलग अलग मैनुअल्स है। ठीक है, अब मुझे इससे एग्जिट करना है, तो यहाँ बोल रहा है क्यू प्रेस करो फाइट करने के लिए, मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर दिया, मैं बाहर आ गया। ठीक है, अब क्लियर करता हूँ मैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे ये थी हमारी कुछ बेसिक्स कमांड, अंदर आने की, बैक जाने की, फोल्डर के अंदर जाने की, अलग अलग, ठीक है, लोकेशंस कैसे देखनी है उसकी, ठीक है, हेल्प कैसे देखनी है, अलग अलग। तो कोई भी कमांड अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप हेल्प ले सकते हो वहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे थी कुछ कमांड्स, अब देखते हैं हम कुछ और कमांड जो कि आप पे वर्क की है। वापस से मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, एंड काली दिख रहा है आपको। अब कैसे, अगर मुझे इस फोल्डर को कॉपी करना है, ठीक है, इस फोल्डर को मुझे कॉपी करना है, वैसे हम ग्राफिकली राइट क्लिक करके कॉपी करके बहुत इजीली कर लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे कॉपी करना किसी भी चीज़ को। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको लोकेशन पे ले चलता हूँ, मुझे इसके कॉपी कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर मैं सीडी करता हूँ /home, ठीक है, या फिर मैं सीडी .. ले सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास में ही है। यहाँ पर मैं ls कर दूँ, तो यहाँ पर मैं होम में काली फोल्डर पर आ चुका हूँ, pwd करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं होम एंड काली फोल्डर पे हूँ, लोकेशन पे हूँ, ठीक है। अब मुझे इस डाउनलोड से इस डेस्कटॉप में लाना है, ठीक है, मतलब इस डाउनलोड लोकेशन में हमारा ये काली फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये काली हमारे डाउनलोड पे पड़ा हुआ है, मुझे इसको डेस्कटॉप पे लाना है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, तो कॉपी करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा कमांड है cp, ठीक है, तो लेकिन cp रन करने से पहले आपको इस लोकेशन पे होना ज़रूरी है, ठीक है, कॉपी करने से पहले। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस से सीडी डाउनलोड्स पे। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा और शॉर्टकट है, अगर आपको टैब बटन नहीं दबाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सीडी, ठीक है, डाउनलोड, तो अब यहाँ पे टैब बटन दबा के आप इसको फुलफिल कर सकते हो, लेकिन
अगर आपको टैप बटन नहीं दबाना है, ठीक है, तो यहाँ पे एरो की दबा सकते हो। अगर कब दबा सकते हो एरो की, जैसे यहाँ पे सजेशन आ रहा है ना डाउनलोड्स का, जब ये सजेशन आए एंड इसको फिल करना है, यही सिलेक्ट करना है, तो राइट एरो की दबा देना है एंड एंटर प्रेस कर देना, ठीक है, तो फिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे। अब यहाँ पे एलएस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काली पड़ा हुआ है, काली नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, तो अब इसको मुझे कॉपी करना है डाउनलोड से इस डेस्कटॉप पे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इससे भी एडवांस कमांड्स क्या क्या हो सकती हैं एंड क्या क्या यूजेस हैं। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर ये हेल्पफुल लगी है वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में लिनक्स के, तब तक के लिए गुड बाय।